करती है। देखिए बिहार में बाढ़ है, आधा बिहार बाढ़ में डूबा है भाई, बिहार के लिए भी तो कुछ कीजिए। खाली अपने बारे में बोलते हैं, प्रशांत किशोर से तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने पार्टी के बारे में बोलते हैं। गांधी जी के नाम पर 2 अक्टूबर को पार्टी बनाते हैं और गांधी जी का अपमान करते हैं, कहते हैं कि शराबें खोल देंगे, शराब का दरिया बहा देंगे। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, पूरे बिहार को शराबी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, शराबबंदी में कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनको ठीक किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब पार्टी ने मिलकर शराबबंदी लागू की थी वो उसके खिलाफ़ बोल रहे हैं ताकि कुछ शराबियों का समर्थन उनको प्राप्त हो जाए। प्रशांत किशोर पहले भी कई पार्टी के लिए काम किए हैं, हर चुनाव में बिहार में आजकल हो गया फैशन, हर चुनाव में एक न एक पार्टी लॉन्च होती है और जमानत जब्त करा के फिर वापस चली जाती है। पिछले चुनाव में भी पार्टियां आईं, बहुत सी पार्टी रजिस्टर्ड हुई, कुछ होने वाला नहीं है। आएंगे नीतीश कुमार, छाएंगे नीतीश कुमार, जीतेंगे नीतीश कुमार, सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी और प्रशांत किशोर को बिहार की सेवा में लगना चाहिए, वो पार्टी की सेवा में लगें। कोई जन आंदोलन किया है क्या, कहीं किसी के दुख सुख में गए हैं क्या, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से क्या हो जाएगा। सर कह रहे हैं कि बहुत लोग, आप लोगों ने बोलने के लिए वोट दिया तो लालू जी आवाज़ दिए, नीतीश कुमार को बिजली के लिए वोट दिया तो नीतीश कुमार बिजली दिए, अब अपने बच्चों के शिक्षा और एजुकेशन के लिए वोट दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपने पार्टी का गठन कर लिया। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपने पार्टी का गठन किया है। बीते 2 वर्षों से पदयात्रा पर थे लगातार और बिहार में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को अक्सर घेरते नजर आते थे और ये भी कहते थे कि उनकी सरकार आएगी तो तुरंत ही शराबबंदी बिहार से खत्म कर डालेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है और कहा है कि प्रशांत किशोर केवल बिहार को शराबी बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में नीतीश सरकार पर निशाना साधते हैं, बाढ़ की बात करते हैं, लेकिन इतने लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, क्या आज तक प्रशांत किशोर किसी भी बाढ़ पीड़ित से मिलने गए? क्या बाढ़ से ग्रसित इलाकों में प्रशांत किशोर कभी भी पहुंचे हैं? प्रशांत किशोर पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहे थे शहनवाज हुसैन, तो वहीं साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी लपेटे में लिया। क्या कुछ कहा, उनका ये बयान सुने। हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि वही कर रहे हैं, हमारा बयान अब नहीं देखे, हम सुबह में बयान दिए। अपराध को कहीं भी अपराध होगा तो अपराधी योगी के राज में बख्शे नहीं जाएंगे। जो अमेठी में 4 लोगों की हत्या हुई है, बड़ा दुखद है, उसको लेके कार्रवाई हो रही है। अपराध को लेके ट्वीट लगातार कर रहे हैं सर। अरे वो तो ट्वीट ही करते हैं ना, वो खुद नहीं करते, उनकी टीम है वो ट्वीट कर देती है, जहाँ उनकी जो टीम है वो अपना ट्वीट कर देती है। आप लोग भी ट्विटर खेलिए, ज़मीन पे तो वो कहीं दिख नहीं रहे, वो ट्वीट में दिख रहे हैं। सर यहाँ बाढ़ की समस्या है और तेजस्वी यादव विदेश में है, क्या करें? क्षेत्र की जनता उन्हें ढूंढ रही है। तेजस्वी यादव जी को राघोपुर के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने वोट दिया, बहुत परेशान चल रहे हैं। ऐसे तो नीतीश कुमार जी पूरी चिंता कर ही रहे हैं, लेकिन विधायक के नाते तो अपना रोल अदा कीजिए महाराज। पत्र भी जरूरी है सर। अब कौन बांट रहा है, हम देखने थोड़ी गए। सर जदयू ने बिहार राज्य कार्यकारिणी बैठक बुला ली है। आप लोग तो सेंसेशन फैलाते हैं कि जदयू ने कार्यकारिणी बुला ली तो क्या हो जाएगा।
पार्टी मजबूत करने के लिए बुलाई है, गठबंधन मजबूत करने के लिए बुलाई है। अच्छी बात है, हमारा सहयोगी दल जदयू है और वो संगठन का अगर काम कर रहा है तो अच्छी बात है, हम लोग भी कर रहे हैं। सदस्यता अभियान हम लोग चला रहे हैं और बेहतरीन सदस्यता अभियान चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रशांत किशोर को लेकर के लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है रोहिणी आचार्य ने कहा, तो इन दोनों के बीच का मामला है, उसमें हम क्या बोलेंगे? बीजेपी का बीच ही। अरे भाई, ये जवाब तो प्रशांत किशोर के प्रवक्ता न देंगे कि हम उनकी तरफ से ठेका लिए हैं उनका जवाब देने को। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम इस जवाब के कीचड़ में कहाँ पड़ने वाले, कौन क्या बोल रहा है बोलता रहे सर, वो जवाब देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में कर दिए हैं। देखिए, बिहार में बाढ़ है, आधा बिहार बाढ़ में डूबा है। भाई बिहार के लिए भी तो कुछ कीजिए, खाली अपने बारे में बोलते हैं। प्रशांत किशोर तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने पार्टी के बारे में बोलते हैं। गांधी जी के नाम पर 2 अक्टूबर को पार्टी बनाते हैं और गांधी जी का अपमान करते हैं, कहते हैं कि शराबे खोल देंगे, शराब का दरिया बहा देंगे। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, पूरे बिहार को शराबी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, शराबबंदी में कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनको ठीक किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब पार्टी ने मिलकर शराबबंदी लागू की थी वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं ताकि कुछ शराबियों का समर्थन उनको प्राप्त हो जाए। प्रशांत किशोर पहले भी कई पार्टी के लिए काम किए हैं, हर चुनाव में बिहार में आजकल हो गया फैशन, हर चुनाव में एक न एक पार्टी लॉन्च होती है और जमानत जब्त करा के फिर वापस चली जाती है। पिछले चुनाव में भी पार्टियां आई, बहुत सी पार्टी रजिस्टर्ड हुई, कुछ होने वाला नहीं है। आएंगे नीतीश कुमार, छाएंगे नीतीश कुमार, जीतेंगे नीतीश कुमार, सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी और प्रशांत किशोर को बिहार की सेवा में लगना चाहिए, वो पार्टी की सेवा में लगें। कोई जन आंदोलन किया है क्या, कहीं किसी के दुख सुख में गए हैं क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से क्या हो जाएगा? सर कह रहे हैं कि बहुत लोग आप लोगों ने बोलने के लिए वोट दिया तो लालू जी आवाज़ दिए, नीतीश कुमार को बिजली के लिए वोट दिया तो नीतीश कुमार बिजली दिए, अब अपने बच्चों के शिक्षा और एजुकेशन के लिए वोट दीजिए। शिक्षा एजुकेशन में बिहारी कहाँ पीछे है, शिक्षा में तो बहुत काम हो रहा है। KK पाठक जब यहाँ आए थे तब शिक्षा के क्षेत्र में अब स्कूल भी बहुत बेहतर हो गया, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बेहतर होने की तो बहुत संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना उद्योग और रोजगार में है। उद्योग में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई बिहार में, इथेनॉल प्लांट लग गए, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई। 2-3 साल लगता है कंपनी को ज़मीन में आने में, तो अब सब ज़मीन में आ रही हैं धीरे धीरे, तो काम हो ही रहा है। और अपनी पार्टी बनाए, जैसे अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं, वैसे एक और पार्टी बिहार में बन गई है, एक और नेताजी आ गए हैं। तेजस्वी यादव वैसे तो इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। आज एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके, अपने एक्स पे एक ट्वीट करके नीतीश सरकार पर निशाना साधा, जिसको लेकर शहनवाज हुसैन आपने सुना तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहे थे और कह रहे थे कि केवल ट्विटर खेलते रहते हैं, लेकिन राघोपुर जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, डूब रहे हैं, लेकिन कोई होश तेजस्वी यादव को नहीं है, एक बार भी राघोपुर तेजस्वी यादव नहीं पहुँचे हैं। साथ ही साथ JDU की हुई बैठक को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए शहनवाज हुसैन, कहने लगे कि ऐसी बैठकें होती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर को किस तरीके से लपेटे में लेते नजर आए, यहाँ तक आरोप लगा दिया कि बिहार को शराबी बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर, इसीलिए बिहार से शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन ऐसी कई पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले आती हैं और चली जाती हैं और इनके साथ भी
ऐसा ही होगा। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए प्रशांत किशोर पर, कैसे निशाना साधते नजर आए शहनवाज हुसैन, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।